नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई कितना भी जिद क्यों ना करे, लेकिन धनतेरस दीपावली के दिन यह एक चीज़ का दान भूल कर भी मत करना जी दोस्तों, वरना आने वाले समय में मुसीबतों का पहाड़ झेलना पड़ेगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो दीपावली का पर्व होता है दोस्तों, वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेहद ही खास पर्व होता है। यह समय माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव धन के देवता अपने जो भी भक्त हैं उनके जन्मकाल में धन की बारिश करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान कुबेर महाराज यशमी प्रबल स्थिति में होती है और सभी जातक के कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होती है अपने भक्तों के जन्मकाल में सारी समस्याओं को दूर करते हैं। परंतु दोस्तों, यह समय कुछ विशेष चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, दान पुण्य का यश में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है, लेकिन दोस्तों उनमें से एक ऐसी चीज़ है जिनका दान भूल कर भी मत करना, वरना दोस्तों आने वाली समय में मुसीबतों का पहाड़ झेलना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को भूल कर भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो भी भगवान कुबेर देवता के और माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माँ लक्ष्मी जय कुबेर महाराज जरूर लिखिएगा। भगवान कुबेर देव और माँ लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, धन से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि धनतेरस का समय, दीपावली का समय माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर देव का समय कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जो भी भक्त यह समय पांच में से कोई भी एक चीज़ का दान कर देता है दोस्तों, उनके जुनकाल में धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाता है। और दोस्तों, इन्हीं में से एक ऐसा चीज़ है जिनका दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इनसे साधक के ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यश में आपको कौन सा वह चीज़ है जिनका दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो चीज़ है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस और दीपावली के दिन लोग तरह तरह के उपाय करते हैं ताकि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय होते हैं, प्रसन्न करने के बहुत सारे टोटके होते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन सोना चांदी या फिर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस और दीपावली के दिन मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, वह कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको यश में दीपावली धनतेरस के दिन दान करना चाहिए, फिर बात करेंगे कि कौन सा एक चीज़ है जिनका आपको दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो चीज़ है दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस और दीपावली के दिन अन्न का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अनाज के दान से पुण्य मिलता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन अनाज का दान करने से घर में अन्न का भंडार कभी खाली नहीं होता। धनतेरस या फिर दीपावली के दिन किसी गरीब या फिर जरूरतमंद को भोजन कराने से भी पुण्य मिलता है और यह पुण्य आने वाले जन्मों तक साथ देता है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद उस व्यक्ति को दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। दोस्तों, अगला जो चीज़ है वह है लोहा का दान। दोस्तों, धनतेरस के दिन दीपावली के समय लोहे का दान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। लोहे को शनिदेव का धातु कहा जाता है। धनतेरस यानी दीपावली के दिन लोहा दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा साथ साथ शनिदेव की भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगला चीज़ है झाड़ू का दान। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली के दिन झाड़ू का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। माना जाता है कि इन दिनों में झाड़ू का दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आजीवन सुख समृद्धि घर में बनी रहती है और पेशों से जुड़े जो भी आर्थिक तंगी है वह दूर हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आप किसी भी मंदिर में झाड़ू का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी धन की देवी माँ लक्ष्मी
काफ़ी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि साधक के ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों धन की कभी उनके जीवन काल में कमी नहीं होती। जी दोस्तों, अगला जो चीज़ है वो है वस्त्र का दान। दोस्तों दीपावली और धनतेरस के दिन किसी भी जरूरतमंद को कपड़े का दान करना बहुत ज़्यादा पुण्य का काम माना जाता है। माना जाता है कि इससे भगवान कुबेर महाराज प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। कुबेर की कृपा से घर में धन का भंडार कभी खाली नहीं होते। धनतेरस के दिन वस्त्र का दान को महादान भी कहा जाता है। जी दोस्तों, अगला जो चीज़ है वह है मिठाई का दान। दोस्तों धनतेरस और दीपावली पर अन्न वस्त्र के अलावा भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नारियल या फिर मिठाई का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि ऐसा करने से धन के भंडार भरे रहते हैं और जीवन में हमेशा शुभता आती है, हमेशा अच्छे विचार आते हैं जिनसे व्यक्ति को धन कमाने के नए नए रास्ते पते चलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यश में अगर आपके जीवन काल में आपके घर परिवार में कोई कन्या है तो दोस्तों उन्हें आप 1 रुपये का सिक्का दान करके उन्हें प्रणाम करके जय माँ लक्ष्मी जरूर बोल दीजिएगा। दोस्तों यह धनतेरस दीपावली का समय आपके लिए कोई वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि इस दीपावली और धनतेरस के दिन आपको कौन सा एक चीज़ है जिनका दान भूल कर भी नहीं करना है। इन्हें करने से हमेशा जीवनकाल में गरीबी और हमेशा कष्टों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों सबसे पहले चीज़ आपको बता दें कि धनतेरस और दीपावली का दिन बहुत ही पवित्र त्यौहार है। दोस्तों यश में कभी भी कोई बुरा और गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अपनों से बड़े और या फिर अपनों से छोटे का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमेशा सभी का यश में सम्मान कीजिएगा। दोस्तों जो भी व्यक्ति बूढ़ी व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा असहाय व्यक्ति है, दोस्तों उनकी मदद तो आपको करना ही है, साथ ही उनका कभी भी आपको अपमान नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों साक्षात माँ देवी का उसमें वास रहता है। दोस्तों कहा जाता है कि धनतेरस दीपावली के दिन माता लक्ष्मी, दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस या फिर दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों के जीवन काल में परीक्षा लेने के लिए अवश्य आती है, वो बूढ़ी और असहाय होकर, ताकि उनका भक्त उनका कैसे सम्मान करते हैं। तो दोस्तों यश में आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि धनतेरस और दीपावली के दिन अगर आपके घर में कोई भी गरीब असहाय व्यक्ति आते हैं आपसे कुछ मांगने के लिए, कुछ दान लेने के लिए, तो दोस्तों आपके जीवन काल में आपको बता दें कि आप जो चीज़ें हम बोले हैं उनका आप दान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके काम की चीज़ें नहीं है, दोस्तों उनका दान आप भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो भी असहाय व्यक्ति है वह कहेगा कि यह टूटा चप्पल तो आपका कोई काम का नहीं, हमें दे दीजिए। लेकिन दोस्तों ये आपके सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों ये आपके जीवन काल में बुराई का संकेत दे सकता है। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कुछ देने के लिए अच्छे चीज़ें हैं जो कि आपके उपयोगी चीज़ें हैं, उन्हें ही आप दान कीजिएगा। हो सकता है जो भी आपके घर गरीब असहाय व्यक्ति होते हैं दोस्तों उनको यश में आप 1 जोड़ा चप्पल अच्छा जो भी चीज़ों का दान करिएगा दोस्तों वो पूरी तरह से परिपूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों टूटे चीज़ों का दान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है, चाहे दोस्तों आप किसी भी चीज़ों का दान क्यों ना करें। तो दोस्तों इन इस बात का यश में ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और दोस्तों साथी और अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।